नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, सीटीएट, डीएलएड, बीएड से महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं यह है वर्ग तीन पाठ्यक्रम में है, यहाँ से प्रश्न निकलेंगे, यहाँ से प्रश्न निकलने की अत्यधिक संभावना रहेगी क्योंकि यह आपके पाठ्यक्रम में है, तो यहाँ से पाठ्यक्रम यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन निकलने के चांस सर्वाधिक रहेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वह करेंगे विभिन्न विद्वानों व शिक्षा मनोविज्ञानकों के अनुसार खेल की परिभाषाएं। हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाटिया जी ने कहा है खेल के अनुसार, खेल स्वयं, भाटिया के अनुसार खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है। अब आपको इसे कैसे याद रखना है, आप यहाँ पर ध्यान से देखें। हम जब भाटिया लिखते हैं तो भाटिया में कुल कितने वर्ण आ रहे हैं, एक दो तीन, कुल कितने वर्ण हैं, तीन। और इनकी जो परिभाषा है खेल की है, इसमें अभी खेल कितनी बार प्रयोग किया गया है, तीन बार, एक दो तीन। तो इस तरीके से आप भाटिया की के अनुसार खेल की परिभाषा को याद रख सकते हो कि इनके नाम में भी तीन वर्ण हैं और इनकी परिभाषा भी कितनी बार आई है, तीन बार आई है। तो इसके माध्यम से आप याद रख सकते हो कि खेल की परिभाषा इनके अनुसार दी गई है। तो देखिए अब देखते हैं टीपी नन के अनुसार, टीपी नन ने क्या कहा है, क्रियात्मक गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए खेल की अहम भूमिका होती है। क्रियात्मक गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए खेल की अहम भूमिका होती है। तो एक टीपी व्यक्ति थे जो नानू ने यानी भिन्न प्रकार की गतियां करते थे, कोई भी कार्य कोई कहता था तो वह कहते थे कि हम नहीं करेंगे, हमें इच्छा नहीं हमारी करने की। और जो तो जो टीपी नन व्यक्ति था वह भिन्न प्रकार की गतियां करता था, भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया देता था और इस कारण से इनकी परिभाषा आपको याद रखनी है। नानुकुर करता था कार्य करने के लिए, गतियां करने के लिए नानुकुर करता था, और नानुकुर गतियां करने के लिए कौन करता था, तो टीपी नन। और गतियां कौन करता था, वह कैसी गतियां करता था, क्रियात्मक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आती है ड्राइवर के अनुसार, ड्राइवर के अनुसार खेल की परिभाषा। तो इन्होंने कहा था खेल एक शारीरिक मानसिक क्रिया है। ड्राइवर से आपको शब्द याद रखना है, ड्राइवर से आपको शब्द याद रखना है ड्राइवर। और जब आपको ड्राइवर करना है तो ड्राइवर करते समय, ड्राइविंग करते समय आपको क्या जरूरत है, शारीरिक क्रिया भी करनी पड़ेगी और मानसिक क्रिया भी करनी पड़ेगी। यदि आपको ड्राइविंग करना है, ड्राइवर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शारीरिक क्रिया भी करनी पड़ेगी और मानसिक क्रिया ही करनी पड़ेगी। और जब शारीरिक और मानसिक परिभाषा में आता है तो किसकी परिभाषा हो जाएगी, ड्राइवर की, क्योंकि जो तुम जब तुम ड्राइविंग करोगे तो तुम्हें शारीरिक क्रिया भी करनी पड़ेगी और मानसिक क्रिया भी करनी पड़ेगी। तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, आपकी, ड्राइवर की। स्टर्न, स्टर्न के अनुसार खेल स्वयं तथा शिक्षा के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। तो जब कभी हम टर्न लेते हैं, हमें कहीं मुड़ना होता है तो कैसे मुड़ते हैं, खुद की इच्छा से कि दूसरे की इच्छा से। अधिकांशतः हम कोई टर्न हमारी जिंदगी में आता है या हम कुछ लेते हैं तो खुद की कमियों के कारण होता है। हम अच्छा करते हैं तो टर्न अच्छे आते हैं, अर्थात किसकी इच्छा, खुद की इच्छा। खुद को क्या कहते हैं, स्वयं। तो वाक्य में जब खुद या स्वयं या स्वेच्छक आए तो वहां पर किसकी परिभाषा हो जाती है, इस टर्न की। टर्न आएगा तो स्वयं इच्छा करोगे, जब भी टर्न आएगा तो स्वयं क्या करोगे, इच्छा करोगे। तो स्वयं इच्छा से आपका क्या हो जाएगा, ये परिभाषा आपको याद रहेगी। कुरो व कुरो के अनुसार खेल संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित कर लेता है। यह जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यह मात्र समझाने के लिए है। तो कुरो का सामान्य अर्थ इंग्लिश में जो हम कुरो कहते हैं उसका अर्थ होता है कौवा। और कौवा जब एक आंख का होता है अपने किसी वस्तु को देखने के लिए वह संपूर्ण रुचि केंद्रित कर लेता है।
क्या कर लेता है, संपूर्ण रुचि केंद्रित कर लेता है। तो देखो यहां पर संपूर्ण रुचि और केंद्रित करना, क्योंकि कौवा कितने आंख का होता है, एक आंख का, और जब वो कोई कार्य करेगा तो अपनी संपूर्ण रुचि अब क्या कर लेगा, ध्यान केंद्रित कर लेगा। और इस प्रकार की परिभाषा किसने दी थी, क्रो एंड क्रो ने। एक प्रसिद्ध कथन है चीन का, नेता मयूत्सी तुंग का कथन है, सेहत पहले पढ़ाई बाद में। ये कथन किसका है, नेता मयूत्सी तुंग का कथन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खेल के प्रति अपना दृष्टिकोण दिया था, इन्होंने कहा था खेल खेल भावना से खेलना चाहिए। यह किसका प्रसिद्ध दृष्टिकोण है, पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू जी का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों।